हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम पांडे पंकज एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूं लेकर के अपना नया वीडियो जिसका शीर्षक है दिमाग की बत्ती जला देने वाली पहेलियां पार्ट 5। प्रत्येक पहेली का आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स। सो गेट रेडी टू प्ले। पहेली नंबर 1। काला है पर कौवा नहीं, बड़ा है पर हवा नहीं, करे मालिक के सारे काम, बोलो बच्चों उसका नाम। जी हाँ, ऐसा कौन है जो काला तो है लेकिन कौवा नहीं है, बड़ा है लेकिन हवा नहीं है और अपने मालिक के सारे काम करता है। जी हाँ, सही जवाब होगा हाथी। पहेली नंबर 2। 12 मरीज अस्पताल में, डॉक्टर रहे पाताल में, लगाए 3-3 सुई, बूझे कोई कोई। जी हाँ, ऐसी कौन सी अस्पताल है जिसमें केवल 12 मरीज रहते हैं, डॉक्टर वहां से बहुत दूर पाताल में रहता है और प्रत्येक मरीज को 3-3 सुई लगाता है, बताइए भला क्या? जी हाँ, सही जवाब होगा वॉच अर्थात घड़ी। पहेली नंबर 3। एक ऐसा घोड़ा बिना पैर के दौड़ा, मुड़कर कभी ना देखा, पीछे छोड़े रेखा। जी हाँ, ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिना पैर के दौड़ता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और अपने पीछे रेखा अर्थात अपनी निशानी को छोड़ते हुए जाता है। जी हाँ, सही जवाब होगा समय अथवा टाइम। पहेली नंबर 4। ना कोई जुर्म ना अपराध किया, फिर क्यों मुझको बांध दिया, पहले मुझको लटका दिया, बाद में 2-4 झटका दिया। जी हाँ, ऐसा कौन है जिसको लोग बिना अपराध के बांध देते हैं, पहले उसको लटकाते हैं फिर 2-4 झटका देते हैं, बताइए भला क्या? जी हाँ, सही जवाब होगा लॉक अर्थात ताला। पहेली नंबर 5। धनुष का आकार है काला मेरा रंग, कुत्ता मेरा नाम पुकारे सुनकर रह गई दंग। जी हाँ, ऐसा कौन है जिसका धनुष का आकार होता है, रंग काला होता है और कुत्ता उसका नाम पुकारता है, बताइए भला कौन? जी हाँ, सही जवाब होगा एब्रो अर्थात भाव। पहेली नंबर 6। बहुत बड़ा रात दरबार, जिसके 2-2 चौकीदार, दोनों अपनी ड्यूटी निभाएं, चाह कर भी मिल ना पाए। जी हाँ, ऐसा कौन सा रात दरबार है जिसमें 2-2 चौकीदार होते हैं, दोनों चौकीदार अपनी ड्यूटी नियमित रूप से निभाते हैं फिर भी चाह कर भी मिल नहीं पाते हैं, बताइए भला कौन? जी हाँ, सही जवाब होगा सन अर्थात सूरज और मून अर्थात चंद्रमा। पहेली नंबर 7। एक सहेली बड़ी सयानी, रो रो कर सुनाए अपनी कहानी, जब हर कोई धोखा दे जाए तब तुम्हारे काम ये आए। जी हाँ, बताइए भला कौन सी ऐसी सहेली है जो रो रो के अपनी कहानी सुनाती है, जब हर कोई धोखा दे देता है तब ये तुम्हारे काम आती है। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मोमबत्ती या कैंडल। पहेली नंबर 8। सभी खाली स्थानों में एक ही शब्द भरना है, एक डैश की डैश हालत बहुत खराब थी, इसके बावजूद उसने बंटवारे में डैश उसके आशीर्वाद से धीरे धीरे उस डैश की
डैश हालत अच्छी हो गई। जी हाँ, प्रत्येक खाली स्थान पर आपको एक ही शब्द भरना है। जरा दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए और सही जवाब दीजिए। उन सभी खाली स्थानों में कौन सा शब्द भरा जाएगा? जी हाँ, सही जवाब होगा माली। चलिए देखते हैं कैसे। एक माली की माली हालत बहुत खराब थी, बावजूद इसके उसने बंटवारे में माँ ली। माँ के आशीर्वाद से उस माली की माली हालत अच्छी हो गई। तो देखा आपने, इसका सही जवाब होगा माली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.